दोस्तों आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 13 जो कि खेला जाएगा इंग्लैंड और अफगानिस्तान ये दो टीम्स के बीच, उसी मैच के पूरी एनालिसिस के बारे में इस वीडियो के थ्रू आपको डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो चले दोस्तों एंड तक वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अच्छे अच्छे ग्रैंड लीग की टीम्स बना सकें। स्पेशली दोस्तों ग्रैंड लीग के अंदर आपको कौन से प्लेयर्स को पिक करना चाहिए, कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप करना चाहिए, ए टू जेड इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल टीम्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अभी जाकर लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां पर दोस्तों मैच की बात करें तो 15 अक्टूबर के दिन यह मैच खेला जाएगा दोपहर 2 बजे। मैच कहां पे होगा? अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में यह मैच होने वाला है। तो दिल्ली में जब मैच होता है यहां का सिनेरियो किस तरह से रहते हैं, पेसर्स विकेट्स निकालते हैं या फिर स्पिनर्स विकेट निकालते हैं, वेदर रिपोर्ट यहां पर कैसा रहता है, बैटर्स किस टाइप के बैटर्स यहाँ पर अच्छे खासे रन्स बना सकते हैं, ए टू जेड आपको यहाँ पर बताएंगे। तो एंड तक पूरा देखना, मस्ट बी वीडियो स्किप मत करना। देखिए वेदर क्लियर रहेगा बिल्कुल, कोई भी बारिश की चांसेस नहीं है। और यहाँ का जो पिच रिपोर्ट है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है टीम बनाने के लिए, वो यहाँ पर है बैटिंग फ्रेंडली पिच आपको देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर जो है पेसर्स को अच्छी खासे हेल्प मिल जाएगा ये पिच से। अगर बताए तो देखिए डायमेंशंस यहाँ पर 70 मीटर के आसपास स्क्वायर और 78 मीटर के आसपास यहाँ पर स्ट्रेट बाउंड्रीज रहेगा, तो यहाँ पर पेसर्स को अच्छे खासे हेल्प मिल जाता है इस विकेट के ऊपर। और लास्ट मैच में भी अगर देखोगे तो पेसर्स ने 7 विकेट निकाले, स्पिनर्स ने 3 विकेट निकाले और एवरेज को रिहा का बन सकता है 270 से लेकर 300 के आसपास। अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करे तो 300 ऑब्वियसली आराम से चल जाएगा, जैसा कि लास्ट वर्ल्ड कप में भी 400 के आसपास लगभग स्कोर बना दिए थे इंग्लैंड अफगानिस्तान के सामने। वहां पर मॉर्गन ने भी बहुत ही अच्छी खासी नॉक खेली थी अगर आपको याद है तो, मुझे तो अभी भी याद है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करे तो इंग्लैंड के बॉलिंग तो बहुत स्ट्रांग है, तो उनके सामने लगभग 250 तक भी बना सकते हैं। जैसे कि इंडिया के अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने भी इन्होंने 272 तक बना दिए, तो ऐसा भी एक अच्छी स्कोर खड़ा कर सकता है अफगानिस्तान के बैटर्स। तो लास्ट कुछ मैचेस की बात करें इसी वर्ल्ड कप के अंदर, इंग्लैंड ने अभी तक 2 मैच खेल चुके हैं, दोनों में 1 जीते और 1 हारे। लेकिन अफगानिस्तान की टीम, इनकी जो हालात बहुत ख़राब है, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। लास्ट 2 मैच में से दोनों हारे, एक बांग्लादेश के सामने हारे, दूसरे यहाँ पर इंडिया के सामने हारे, तो इस मैच पर ऑब्वियसली कमबैक करना चाहेंगे। फिर भी इनके लिए तो टफ ही रहेगा क्योंकि इंग्लैंड की टीम दोस्तों बहुत स्ट्रांग है, आपको पता ही है। रिस टॉपली, मार्क कूट, सैम करन जैसे बॉलर्स के सामने कितना अच्छे तरीके से बैटिंग कर सकते हैं यही देखने वाली बात रहेगा। और दोस्तों आज के मैच प्रेडिक्शन, ऑब्वियसली इंग्लैंड 80% और अफगानिस्तान 20%। दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान को ऑब्वियसली 5 या फिर 10% लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने इस मैच पर 20 लिखा क्योंकि मुझे लग रहा है अफगानिस्तान थोड़ा बहुत फाइट बैक कर सकते हैं। अब बात करें दोनों टीम की प्रोबेबल प्लेइंग XI और उसी के साथ एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर, साथ में प्लेयर स्टैट्स के बारे में भी बताएंगे। उसके बाद आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए कौन से प्लेयर बेहतरीन चॉइस बन के आपके लिए आएगा तो वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम की। तो इनके लिए ओपनिंग करेंगे जॉनी बेस्टो, डेविड मलान दोनों मिलकर नंबर 3 पर खेलेंगे जो रूट, जोस बटलर कप्तान आ जाएंगे नंबर 4 पे। देखिए यहाँ पर एक सीनरियो है कि अगर जल्दी से टॉप 3 में से 2 विकेट गिर जाए तो वहाँ पर बैटिंग करने आएंगे हैरी ब्रूक 4 नंबर पर, उसके बाद 5 नंबर पर आएंगे जोस बटलर। लेकिन लास्ट मैच पर क्या हुआ था कि टॉप 3 बहुत अच्छे चले, देखिए 50, 140, 82 ऐसे करके रन्स बनाए, तो इसलिए जोस बटलर थोड़े बहुत हिटिंग करने के लिए खुद को प्रमोट कर दिया था। ऐसा फिर से आपको देखने को मिल सकता है, अगर टॉप 3 अच्छा चल जाए तो जोस बटलर ने खुद को प्रमोट करके नंबर 4 पे ला सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे हैरी ब्रूक, 6 नंबर पे लियम लिविंगस्टोन, सैम कुरान, क्रिस ओक्स और 9 नंबर पे आदिल रशीद, मार्कुट रिस टॉपली और बेंच के ऊपर आएगा दोस्तों मोइन अली जो कि इस मैच में खेल सकते हैं। अगर पिच पर क्रैक्स दिखे, ब्लैक सॉइल के पिच पर मैच हुए तो वहाँ पर ऑब्वियसली मोइन अली इस मैच पर खेल सकते हैं। किसकी जगह खेलेंगे वो भी आपको बताएंगे। देखिए वो डायरेक्टली रिप्लेस कर जाएंगे, यहाँ पर एक तो है क्रिस ओक्स, दूसरे यहाँ पर है सैम कुरान, इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करेंगे। कौन? मोइन अली, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों ही अच्छे खासे कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों अफगानिस्तान टीम की, अफगानिस्तान की अगर बात करें तो ओपनिंग में आएगा रहमानुल्लाह गुरबाज नंबर 1, 2 पे है इब्राहिम जदरान, नंबर 3 पे वन डाउन रोहमत शाह,
चार नंबर पर खेलेंगे कप्तान हसमतुल्ला साहिदी। लास्ट मैच पर इंडिया के सामने बहुत ही अच्छे दमखम दिखाई, बल्लेबाजी करी दोस्तों। उसके बाद एक और अच्छे ऑलराउंडर जो कि इस बार वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छे साइन दिखाया है, अजमतुल्ला उमर जय पाँच नंबर पर खेलेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस्ड मोहम्मद नबी, नाजिबुल्ला चतरन सात नंबर पर खेल जाएंगे और उसके बाद आएंगे रशीद खान आठ नंबर पे। नंबर नौ पे है मुजीबुर रहमान, दस नंबर पे नबीनुल्लाह और उसके बाद फजल फारूकी आ जाएंगे ग्यारह पे। तो ये तो गई दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग एक्साई और एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर के साथ। अभी बात है कि दोनों टीम्स के जो प्लेयर स्टैट्स है वो बताने का। तो सबसे पहले इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेयरस्टो और डेविड वॉर्नर दोनों में किसी एक को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते इस मैच के लिए, क्योंकि दोस्तों दोनों की फॉर्म आप देखिए। बेयरस्टो ने दो मैच में 33-52, डेविड वॉर्नर ने लास्ट मैच में 140 की एक बहुत बड़ी नॉक, उसके साथ पहला मैच पे 14। मतलब दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है। करंट फॉर्म के हिसाब से अगर आप देखोगे तो दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है, तो इसलिए ये दोनों आपके लिए मस्ट पिक बन जाते हैं। और नंबर तीन पे बात करें जो रूट, ये भी एक्सेप्शनल है दोस्तों इस मैच के लिए, तो कप्तान के लिए बहुत बड़ी चॉइस रहेगा डेविड मलान के साथ। आप चाहो तो देखिए एक चीज़ कर सकते हो कि बेयरस्टो को ड्रॉप करके बाडला को ले सकते हो, या फिर गुरबाज को थोड़े बहुत रिस्की पिक में आप ले सकते हो, लेकिन ये अगर आप ग्रैंड लीग पर करोगे वो ठीक रहेगा। स्मॉल लीग के लिए तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों बेयरस्टो अच्छे टच पर है। पहले बैटिंग करने मिले इंग्लैंड को तो वहाँ पे आके अगर 50 मार के आउट हो जाए तो वो भी बहुत फर्क ला देगा आपकी टीम के अंदर। नंबर तीन पे जो है जो रूट 77-82 लास्ट दो मैच पे बनाया है, कप्तानी के लिए बहुत बड़ी चॉइसेस इस मैच के लिए भी रहेगा। नंबर चार पे कप्तान जोस बटलर, लास्ट दो इनिंग्स 43-20, ये भी 20 रन बनाए थे 10 गेंद खेल के, बहुत ही मतलब क्विक फायर इनिंग्स खेलने का मूड में था बटलर। अगर 30 बॉल खेल जाते तो ये भी लगभग 70 रन मार देते लास्ट मैच में। हैरी ब्रूक 25-20 एवरेज टाइप पे चल रहा है। लियाम लिविंगस्टोन इस बार इनके बल्ला चमका नहीं है दोस्तों, 20-0 दोनों मैच पर, 0 और 1 विकेट। सैम कुरन की बात करें 14-11 दोनों मैच में, और दोनों मैच पर विकेट की बात करें 1 और 1, टोटल 2 विकेट निकाले। तो मुझे लग रहा था कि सैम कुरन इस बार अच्छा खासा कुछ करेंगे, हर एक मैच में लगभग 2 से 3 विकेट निकालने का मतलब मुझे तो लग रहा था, लेकिन सैम कुरन की फॉर्म उतना खास भी नहीं है। उससे अच्छा तो यहाँ पर क्रिस ऑक्स किया, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाला, उससे पहले विकेटलेस, 14-11 दोनों मैच पे। आदिल रशीद, इंडिया की पिच में हर बार जो है स्पिनर्स को ही ज़्यादा हेल्प मिलते हैं, इसलिए दोस्तों अगर आप टीम के अंदर तीन पेसर्स के साथ आदिल रशीद को भी रखना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इनिंग्स के अंदर स्पेशली अगर इंग्लैंड बॉलिंग करे तो रशीद एक अच्छा खासा फैक्टर बन सकते हैं। लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले विकेटलेस, 11-15 दोनों मैच में। मार्कुट 13-6 दोनों मैच पर 1 विकेट निकाले, उतना बढ़िया फॉर्म में नहीं चल रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। रीस टॉपली की बात करें, लास्ट मैच में आए और छा गए दोस्तों, 4 विकेट निकाला लास्ट मैच पे। और मोइन अली को इसलिए खेलना चाहिए क्योंकि मिडिल ऑर्डर के अंदर हसमतुल्ला साहिदी और नजीबुल्ला जदरन जैसे लेफ्टी प्लेयर है, तो उनके सामने ये जो है मोइन अली काम आ सकता है, इसलिए मोइन अली को भी टीम खिला सकते हैं सैम कुरान या फिर क्रिस ओक्स की जगह। तो यहाँ से डेथ में डालेंगे कौन, ऑब्वियसली रीस टॉपली मार्कुट दोनों साथ में है ही, उसी के साथ क्रिस ओक्स, सैम कुरान में से कोई एक, नहीं तो अगर पिच के अंदर टर्न हुए तो आदिल रशीद मस्ट भी यहाँ पर डेथ में करना चाहिए, मोइन अली जब तक नहीं खेले तब। तो इंग्लैंड की टीम की तरफ से इस मैच के लिए कौन से प्लेयर फेवरेट चॉइस में आएगा, देखिए कौन से प्लेयर्स को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। बेयरस्टो, डेविड मलान, जो रूट, तीनों में से तीनों को आप ले सकते हैं। और यहाँ पर चले नीचे वाले जो है मार्कुट, रीस टॉपली, आदिल रशीद, क्रिस ओक्स, ये 4 में से 4 या फिर 3 आप कितने नंबर पे चाहिए तो आप पिक कर सकते हो प्लेयर्स को। अब चलते हैं दूसरे टीम अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। गुरबाज और इब्राहिम जादरन दोनों ने शुरुआत तो अच्छे मिलते हैं इनको, देखिए इनिंग्स को बड़े इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, यही इनका दिक्कत है। गुरबाज ने लास्ट दो इनिंग्स खेले 47-21, इब्राहिम जादरन ने लास्ट दो इनिंग्स खेली 22-22। तो ये अगर थोड़े बहुत बड़े इनिंग्स खेल देते तो टीम की स्कोर और भी अच्छी जगह पर पहुँच जाती। रहमत शाह ने लास्ट दो मैच पर 18-16। हसमतुल्ला साहिदी की बात करें 18 और लास्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट 80 की एक बहुत ही अच्छी पारी खेली दोस्तों, कप्तान सी पारी आप जिनको कह सकते हो। अजमतुल्ला उमर जय 22-62 दोनों मैच में 1 और 1, टोटल 1 और 0, टोटल 1 विकेट निकाले, तो उमर जय एक अच्छा खासा ऑप्शन आपके लिए बनेगा। मोहम्मद नबी
इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास है लेकिन फिर भी नहीं कुछ कर पा रहा है। 6-19 और दोनों मैच पर विकेटलेस। नजीबुल्ला जादरान टीम ने इनको लोअर ऑर्डर में भेजे, 5 रन 2 रन, तो मेरे हिसाब से इनको मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, 4 या फिर 5 नंबर पर, तभी जाकर इनके जो है अच्छी खासी स्कोर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि 4-5 नंबर पर जो प्लेयर्स है, हसनुल्ला साइदी और अमरजई दोनों ने अच्छे फॉर्म में चल रहा है, तो इसलिए इनको जगह 7 नंबर पर ही मिलेगा। राशिद खान 9 रन 16 रन 0 विकेट 2 विकेट, ठीक ठाक चॉइस रहेगा इस मैच के लिए भी। मुजीबुर रहमान 1 रन 10 रन दोनों मैच पर विकेटलेस। नवीन उलॉक की बात करें दोनों मैच पर 1 विकेट निकाले। फजल फारूकी दोनों मैच में 1 विकेट निकाले। तो इनके लिए डेथ में कौन डाल सकते हैं? राशिद खान, नवीन उलॉक, फजल फारूकी। तो अफगानिस्तान की तरफ से कौन से प्लेयर अच्छा चॉइस रहेगा एक बार देख लीजिए। गुरबाज और जादरान दोनों में से किसी एक को आप पिक करें। रोहमत शाह को आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर, साइदी को आप ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हो। उमर जई अच्छा पिक रहेगा, नौवी अच्छा पिक रहेगा, और नीचे वाले अगर देखोगे तो राशिद खान और मुजीब दोनों को छोड़ के और कोई उतना खास चॉइस नहीं लग रहा है। आप बात करें दोस्तों स्मॉल लीग के लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की, डेविड मलान, जो रूट, जॉनी बेस्टो, रिस टोपली। स्पेशल ग्रैंड लीग चॉइसेस में देखिए जो रहेगा आपके लिए, मारकुट, रहमानुल्लाह गुरबाज, सैम कुरान, राशिद खान। तो फिलहाल ये रहेगा दोस्तों आपके लिए स्टेट्स एनालिसिस की बात। हम लोग अभी चलते हैं ड्रीम 11 की तरफ, वहाँ पर हमने ऑलरेडी एक टीम आपके लिए बना के रखा है, जो जिसको आप डेमो टीम या फिर बेसिक टीम कह सकते हो, लेकिन वो टीम फाइनल नहीं है। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है, आप अभी जाकर लिंक में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फाइनल टीम्स के लिए। तो ये देखिए दोस्तों विकेट कीपरिंग सेक्शन पर हमारे टीम में है वेस्टो, बैटिंग पे जो रूट, डेविड मलान, इब्राहिम जदरन को हमने पिक किया है। ऑलराउंडर सेक्शन में मोहम्मद नबी, सैम करान, अजमतुल्ला अहमद जई है। बॉलिंग में चारों के चारों बॉलर्स हमारे इंग्लैंड की तरफ से ही है, आदिल रशीद, क्रिस ओक्स, रिस टोपली, मारकुट। कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल सेफेस्ट चॉइस पर हमने जा रहा हूँ अभी के लिए। अगर इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करे तो यहाँ पर किसी भी बॉलर्स के साथ हम जा सकते हैं। डेविड मलान कप्तान, वाइस कैप्टन यहाँ पर जो रूट है, आप ग्रैंड लीग पर ट्राई करें इसी कॉम्बिनेशन के साथ, वोक्स, टॉपली, मारकुट, यहाँ से इब्राहिम जदरान, गुरबाज को आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर, और उमर जई, सैम कुरन, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों ये रहेगा आपके लिए एक डेमो टीम। फाइनल टीम्स के लिए अभी के अभी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए। और अच्छा सा टीम बनाइए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।